नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं द न्यूज गैरेज। शुरुआत करते हैं न्यूज के साथ। भारत और अरब दुनिया के बढ़ते संबंधों के बीच भारतीय वायुसेना के 6 सुकोई Su-30M की आए लड़ाकू विमान बुधवार को UAE में बहुराष्ट्रीय सैन्य युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 3 हफ्तों के लिए आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग में भाग लेने के लिए 3 मार्च को 6 भारतीय वायुसेना Su-30M के आए लड़ाकू विमान संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ान भरेंगे। अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब समेत 10 देश इस युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 2 C-17 भी भाग लेंगे। केंद्र ने राज्य को GST की क्षतिपूर्ति में कमी लाने के लिए अक्टूबर 2020 से अब तक 1,04,000 करोड़ रुपए दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि व्यय विभाग ने 23 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 4,000 करोड़ रुपए की 18वीं साप्ताहिक किश्त जारी कर दी है। अब तक GST राजस्व में संग्रह में आई कमी की 94% भरपाई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कर दी गई है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से GST राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए विशेष अधिकारी खिड़की का गठन किया था, जिसके तहत 1,10,000 करोड़ रुपए की पूंजी केंद्र सरकार मुहैया कर रही है। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का दूसरा चरण की 1 मार्च से शुरुआत हो चुकी है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 साल से ज्यादा लोगों को टीका लगवाया जा रहा है। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी लोग 2,500 रुपए देकर टीका लगवा पाएंगे। इस चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एम्स में टीका लगाकर की। इसके बाद उपराष्ट्रपति सहित कई गणमान्यों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ली। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन टीका लगवाएंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को हैदराबाद में वैक्सीन लगवाई।